أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture, I will introduce about the parts of research paper in social science. I myself, Abhijit Sen, an MPhil scholar in library and information science. If you have any query or any feedback regarding this tutorial, so you can write to abhijitsen@gmail.com. Majority of our students, especially in international relations, political science, or other similar discipline of social science, don't know that what are the various parts or sections in social science research paper. So in this lecture, I have encompassed various sections in a social science research paper, so stay with me. The very first thing you might understand about the section in research papers, a typical social science research paper usually comprises several key parts, each serving as a specific purposes and presenting the research study. Here are the common parts of a social science research paper. Number first, the title. The title should be concise, descriptive, and indicative of the research topic or main focus of the study. It should grab the reader's attention and provide a clear idea of what the paper is about. जैसे कि आपको पता है कि research paper के बहुत सारे section होते हैं. Typical social science research paper जो होते हैं, उसकी several key parts होते हैं. और हर part का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है और वो कॉमन पार्ट्स क्या है सोशल साइंस रिसर्च पेपर में, वो है टाइटल. टाइटल कैसे होना चाहिए, टाइटल मुख्तसर होना चाहिए. एक अंदाजे के मुताबिक 8 से लेकर 12 वर्ड्स तक जो टाइटल होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है. डिस्क्रिप्टिव होता है जो कि डिस्क्राइब करते हैं टॉपिक को. एंड इंडिकेटिव ऑफ द रिसर्च टॉपिक आर मेन फोकस ऑफ द स्टडी. और टाइटल ऐसा हो जो कि आपकी स्टडी का मेन फोकस लोगों के सामने ले आए. इट शुड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन से मुराद ये कि अट्रैक्टिव, जो लोगों को पसंद आ जाए अपने डिसिप्लिन में, और एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड करे कि पेपर किस चीज़ के मुताबिक है. तो थोड़ी सी जो ना ये शॉर्ट टाइटल अट्रैक्टिव और रीडर्स के अटेंशन को ग्रैब करे, वो टाइटल जो है ना कमेंडेबल टाइटल होते. फिर आ जाता है abstract. The abstract is a brief summary of entire research paper. It includes the research questions or objectives, method used, key finding, and conclusion. The abstract helps readers quickly understand the essence of the study before delving into the detail. Abstract कैसे होना चाहिए? Abstract की भी बहुत ज्यादा किस्में, मैंने एक lectures पे बनाया. एक है descriptive और एक है one paragraph, मतलब एक्सप्लेनेटरी जो एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ डिस्क्राइब करते हैं मुख्तलिफ सेक्शन में. तो उस पर मैंने एक अलग लेक्चर बनाया, आप उसको भी देख लीजिएगा. अब्स्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए? ब्रीफ समरी हो तमाम रिसर्च पेपर की, और उसमें क्या क्या चीज़ें हो, रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव मेंशन हो, मेथड्स जो आपने इस्तेमाल किया, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव या क्वान्टिटेटिव, की फाइंडिंग्स क्या है, वो आपने जो है 2 लाइनों में लिखने हैं, और कंक्लूजन आपने लिखना है. अब्स्ट्रैक्ट जो है ना रीडर्स की क्या हेल्प करती है कि पूरे जो पेपर है इसकी एसेंस यानी समरी में प्रेजेंट करें. मजीद डिटेल के लिए अगर अब्स्ट्रैक्ट अट्रैक्ट हो तो एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग जो ना टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते होते हैं दुनिया में जो स्कॉलर हो. अगर अब्स्ट्रैक्ट कैची हूँ तो लोग फिर एंटायर पेपर को पढ़ना चाहेंगे. फिर आ जाते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द रिसर्च टॉपिक, आउटलाइन द रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चंस, एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव और एम्स ऑफ द स्टडी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ लिटरेचर रिव्यू टू डिस्कस रिलेवेंट प्रीवियस रिसर्च एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स दैट इन्फॉर्म द करंट स्टडी. इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो टॉपिक से रिलेवेंट है, या आपकी जो रिसर्च टॉपिक है इससे रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इसकी आउटलाइन. आउटलाइन क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन को आउटलाइन करना है, और आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को और एम ऑफ द स्टडी को क्लियरली डिफाइन करना है. अच्छा, इसमें थोड़ी सी टच दिया जाए लिटरेचर रिव्यू को, जो कि आपकी डिसिप्लिन से रिलेवेंट किसी ने ऑलरेडी काम किया हो, और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो आप लोगों को बताए कि करंट स्टडी में मैंने फ्लान फ्लान थियोरिटिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया, ये इंट्रोडक्शन में होना चाहिए.
अब आ जाते हैं मेथड्स या मेथडोलॉजी पे। द मेथड सेक्शन डिस्क्राइब द रिसर्च डिजाइन मेथडोलॉजी एंड टेक्निक यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। इट शुड बी डिटेल्ड इनफ फॉर अदर रिसर्चर टू रिप्लीकेट द स्टडी। दिस सेक्शन में इंक्लूड सब सेक्शन सच एज पार्टिसिपेंट्स मेटेरियल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स प्रोसीजर एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। मेथड्स या मेथडोलॉजी वाला जो सेक्शन है इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपने रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड उसको मेंशन करना। टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस वही आपने मेंशन करना, इस पेपर का डेटा मैंने कहाँ से कलेक्ट किया और फिर एनालिसिस डेटा का कैसे किया इसको भी आपने मेंशन करना। ये इंफॉर्मेशन डिटेल हो ताकि दूसरे रिसर्चर इसी से जो ना आइडिया ले लें और अपने आने वाले पेपर में इसको इस्तेमाल करें। इस सेक्शन में पार्टिसिपेंट्स कौन थे हैं वो मेंशन करना, मटेरियल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो इस रिसर्च में इस्तेमाल किए वो भी बताना है, प्रोसीजर्स आपने बताना है कि डेटा कलेक्शन कैसे प्रोसीड किया हुआ, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स ये सब कुछ आपने बताना है। अब आ जाते हैं कि रिजल्ट्स। द रिजल्ट सेक्शंस प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज। इट मे इंक्लूड टेबल्स चार्ट्स ग्राफ्स आर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स। दिस सेक्शन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑन रिपोर्टिंग द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च विदाउट इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन। रिजल्ट में जो आपकी फाइंडिंग्स है जो कि स्टडी बेस पे जो डेटा आपने कलेक्ट किया था आपने एनालाइज किया था आपने इसमें से टेबल्स इंक्लूड किए चार्ट्स किए ग्राफ्स किए या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किए और रिजल्ट को जो ना डिफाइन करना है। तो रिजल्ट से जो ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपकी जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च की उसको फोकस करना है और आपकी आउटकम जो है ना वो भी आपने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है और डिस्कशन करना है उस पर रिजल्ट। फिर अगला जो सेक्शन है वो डिस्कशन है। डिस्कशन सेक्शन इंटरप्रेट एंड एनालाइज द रिजल्ट इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इट डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग कंपेयर्स देम टू प्रीवियस रिसर्च एंड एड्रेस लिमिटेशन और पोटेंशियल बाइसेस। दिस सेक्शन ऑल्सो एक्सप्लोर द ब्रॉडर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। डिस्कशन बहुत ईजी है, ईजी ऐसे है कि आपने जो डिस्कशन सेक्शन में इंटरप्रेट किया हुआ तो शरीक किया या आपने एनालिसिस की हुई रिजल्ट की उसकी रिलेशनशिप रिसर्च क्वेश्चन से क्या है, आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव से क्या है, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क से मिलती है या नहीं। अच्छा इसमें वो जो आपकी फाइंडिंग्स है प्रीवियस रिसर्च के साथ आपने कंपेयर करना है, अपनी जो फाइंडिंग्स है इसकी लिमिटेशन भी लोगों के सामने रखना है, पोटेंशियल बाइसेस भी रखने हैं। ये सेक्शन जो है ना ब्रॉडर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन भी लोग मुहैया करती। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन। द कंक्लूजन समराइज द की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, रिइटरेट द मेन आर्गुमेंट्स आर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड एंड ऑफर फाइनल थॉट्स आर रिकमेंडेशन। इट शुड बी कंसाइज एंड टाइट डायरेक्टली टू ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द इंट्रोडक्शन। आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स है कंक्लूजन में सारी चीज़ें इवॉल्विंग अराउंड हो। अगर आपकी कंक्लूजन जो है ना पेपर की रिजल्ट और डिस्कशन से मुख्तलिफ हो तो आपने आप यूँ समझे कि एब्स्ट्रैक्ट की तरह है लेकिन कंक्लूजन में आपने क्रक्स इंफॉर्मेशन देने। इसके साथ साथ जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर होता है सोशल साइंस में उसमें रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस सेक्शन लिस्ट ऑल्सो साइटेड इन रिसर्च पेपर। इट फॉलोज अ स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल ईजीए APA, MLA, Chicago and includes full bibliographical information for each sources to allow readers to locate and verify the original sources. Reference section में आपने जितने रिसर्च प्रीवियस रिसर्च कोट किए उसको मुख्तलिफ स्टाइल में आपने कोट करना है। कुछ सोशल साइंस जर्नल में APA चलता है, कहीं पे MLA चलता है, कहीं पे Chicago, कहीं पे तुराबियन, तो आप मुख्तलिफ स्टाइल के मुताबिक जो ना ये रेफरेंसेस डाल सकते हैं ताकि रीडर्स को ये अलाउ करें कि ये इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ कहाँ से कोट किए ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च स्टडी एडिशनल सेक्शन सच एज एक्नॉलेजमेंट इंडेक्सेस और सप्लीमेंट्री मटेरियल आर अ ग्लोसरी में आल्सो बी इंक्लूडेड इन अ सोशल साइंस रिसर्च पेपर। एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, जब आप
टाइटल लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के फौरन बाद बनाए कीवर्ड्स भी पांच छह जो आपके रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव से मीट करती है। आखिर में आपने क्या क्या चीजें लगानी होती है, अगर आपने डेटा कलेक्शन किया, क्वेश्चन है कि आपके पास डेटा हो, वो अपेंडिक्स फॉर्म में आपने सप्लीमेंट्री मटेरियल को ऐड करना है, या ग्लोसरी, टेक्निकल टर्म्स या सोशल साइंस रिसर्च पेपर्स जो कि आप रिकमेंड करना चाहते हैं, इन्हीं चीजों को जहाँ जहाँ से आपने टूल्स इस्तेमाल किए उसको आप एट द एंड में देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है, फंडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस आर्टिकल के लिए फंडिंग मुझे किसी ने मुहैया की या नहीं, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। मुझे उम्मीद है आज आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया होगा कि एक रिसर्च पेपर के कितने सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन का क्या रोल है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।